learn about formal invitation. Now, today I am telling you informal invitation. तो informal invitation है क्या? जैसे formal में शादी के कार्ड है, birthday के कार्ड है, उस पर लिखना पड़ता है with family, single. किसी को बाय पोस्ट दिया जाता है, तो देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मेलिटी, औपचारिकताएं हैं, बट फ्रेंड्स को, दोस्त को, छोटी पार्टीज को हम जो इनविटेशन देते हैं दैट इज इनफॉर्मल इनविटेशन. दैट इज सेम लाइक अ लेटर एंड इन इट मेंशन द टाइम, डेट, वेन्यू, ऑल द डिटेल्स. हियर इज अ क्वेश्चन. अरुण हैज कम आउट सक्सेसफुल इन द यूपीएससी प्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ही डिसाइडेड टू सेलिब्रेट दिस टू हिज फ्रेंड्स. ड्राफ्ट एन इनफॉर्मल इनविटेशन गिविंग डिटेल्स 50 वर्ड्स. इनफॉर्मल अनौपचारिक, जिसमें फॉर्मेलिटी नहीं है. फ्रेंड्स के साथ सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे, हाउस नंबर जो भी है, डेट और सैल्यूटेशन. डियर फ्रेंड, I have the pleasure to inform you that I have arranged a small get together at my home. घर पे get together रखी है, party है, on the coming Saturday, जो इस शनिवार, at 6 PM, 6 बजे. time भी दिया, कहाँ पे है, किस दिन है. As I qualified in the UPSC pre-exam, जैसा कि मैंने UPSC प्री एग्जाम क्वालिफाई किया, प्लीज ज्वाइन अस एंड एंजॉय द पार्टी. आए और हमारे साथ एंजॉय करें. योर सलो. तो इस तरह एक लेटर के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं. और इस तरह का जो फॉर्मेट है, एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, बॉडी, इसके अंदर हम बताएंगे कब है, कहाँ है, किस समय है, क्यों है, और एंड में अपना नाम लिखेंगे जो भी इनवाइट कर रहे हैं. तो आई थिंक यू हैव लर्न द एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन. दैट इज, इसमें एक सिंपल सा इनविटेशन है, एक सिंपल पेपर पे, जो बाय हैंड भी दे सकते हैं या पोस्ट भी दे सकते हैं. उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, दोस्तों के लिए है और नियर एंड डियर्स के लिए. थैंक्स. टिल देन हैव ए नाइस डे एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल.